गुड मॉर्निंग, आज हम बात करते हैं लाभ और हानि से, जो कि SSC रेलवे और व्यापम से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन बाय रूपेश सर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ही की तरह एक मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन करा सकूँ। चलिए, लास्ट का पार्ट 3 वीडियो है ये, लाभ और हानि। लाभ और हानि पर आधारित पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिया गया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखने से काफ़ी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, लाभ एवं हानि पर। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग एक छोटा सा कमेंट कर सकते हो और यहाँ पर पूछ सकते हो कमेंट में जाकर कि कौन सा समझ आ रहा है और कौन सा वीडियो समझ नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप लोग बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य में बेचने पर दावा करता है 1 kg के वाट में 900 ग्राम बटखरे का इस्तेमाल करता है तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। मतलब एक बेईमान व्यापारी है जो 1 kg बट की जगह 900 ग्राम तौलता है ना, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा दोस्तों। चलिए, इसका फार्मूला है लाभ बराबर त्रुटि बाई सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो त्रुटि कितना है, 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम कम तौलता है ना। तो त्रुटि कितना है, 1 किलो मतलब 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम 960 ग्राम कम तौल रहा है तो इसका क्या आ जाएगा, 40 ग्राम कम तौल रहा है, 40 ग्राम कम तौलता है। तो हमारा त्रुटि कितना है, 40, सही मान हमारा 1000 हो गया है और त्रुटि हमारा 960। तो सही मान में हमारा त्रुटि कितना कर रहे हैं, 960 ग्राम। तो ये 960 ग्राम आ गया है और 100 से हमें क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए यहीं से काट लेते हैं, 0 का 0, 4 1 कम 4, 4 2 8 और 1 बच रहा है इसका हासिल, ये 16 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 यानी कि 24, और 24 को 4 से काटेंगे तो कट जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, और ये चीज़ को काटेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 को 6 से भाग करेंगे या काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो 5.26% की त्रुटि। अब इसे शॉर्ट ट्रिक में देख लेते हैं, क्वेश्चन देख के ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 kg बराबर होता है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। तब 1 किलो में 1 किलोग्राम मतलब 1 में 960 ग्राम है, कम है, त्रुटि हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 40, और त्रुटि हमारा कितना, 960 ग्राम कम है, ये हो जाएगा, और हमेशा 100 से गुना कर देंगे तो 40 इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 40 दूनी मतलब ये 24 बार में चला जाएगा, 24 को इसको 100 से काटेंगे तो 5.26% आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर बेचते हैं और 25% लाभ कमाता है, बताइए वह 1 kg के बदले कितना तौलता है, मतलब 1 किलोग्राम की जगह कितना तौल रहा है ना। तो चलिए देखते हैं। तो लाभ के लिए फार्मूला है सही वजन माइनस खोटा वजन बाई खोटा वजन गुणित 100। तो मतलब कितना परसेंट लाभ कमा रहे हैं, 25% लाभ कमा रहे हैं, हम 25 निकाल लेते हैं। सही वजन माइनस खोटा वजन, सही वजन कितना है हमारा, 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। खोटा वजन कितना निकालना है हमें, ये हमें ज्ञात करना है, 1 से बना लेते हैं इसको, यहाँ पर भी 1 से आ जाएगा, 100 से इसको गुणा कर देंगे, इसका 25% निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 200, और 200 में कितना त्रुटि है, मतलब 1 किलोग्राम का है तो उसमें 1000
200 पहले आ गया 25% का, अब निकाल लेते हैं 1000 में 200 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 रुपये की, 800 रुपये कम तौलता है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये ए वाला मैच कर रहा है। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक हो जाता है, तो वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो ऑप्शन ए 15,000 है, ऑप्शन बी 12,000 है, ऑप्शन सी 5,000 है, ऑप्शन डी 10,000 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु को 15% लाभ हो रहा है और उसके बदले में 20% लाभ पर बेचा गया है, तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बना लेते हैं। 15% लाभ बोला गया और 20% लाभ बोला गया है, इसका मतलब है अगर दो बार लाभ दिया रहेगा तो क्या करेंगे, अगर दो बार लाभ दिया रहेगा तो माइनस करेंगे, और दो बार हानि दिया रहेगा तो भी माइनस करेंगे। अगर दो बार इसमें दिया गया लाभ और हानि दिया रहेगा तो इसको प्लस में कर देंगे। चलिए इसे दो बार लाभ दिया गया है तो उसके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 20 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है, तो 500 का 5% निकाल देंगे, 500 का 5/100 कर देंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, 20 × 5 = 100, और 20 को 500 से गुणा करेंगे तो हमारा 10,000 आ जाएगा, 10,000। 20 × 0 = 1 हो गया, 20 × 0 = 1 हो गया, और 20 × 5 = 100, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपये। आप